नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एवाई फाइव ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमने वनपाल वनरक्षक सीईटी एग्जाम के लिए जो राजस्थान जीके की सीरीज चालू की थी उसमें पार्ट नंबर दो है, जिसमें प्रैक्टिस सेट आपके लिए पार्ट नंबर दो आपके लेके आ गए हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इसमें करा रहे हैं। इसमें आपके लिए राजस्थानी साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। इसमें आपके राजस्थान पुलिस का एग्जाम आने वाला हो या एलडीसी का एग्जाम हो, आपका या शिक्षक भर्ती का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपसे इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। इसका पार्ट वन हो चुका है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसका चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन है, जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है। जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है। ऑप्शन है आपके पास में चार, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा, या फिर राजस्थान साहित्य संस्कृत अकादमी अजमेर के द्वारा, विजय पत्रिक भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी अजमेर के द्वारा, या फिर वीरवन साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा। तो जागती ज्योत मासिक पत्रिका का जो प्रकाशन है वह राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा से किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, वेली कृष्ण रुक्मणी री इसे पांचवा वेद कहा जाता है कि रचना किसने की थी। वेली कृष्ण रुक्मणी री इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है कि रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा, पृथ्वीराज राठौड़ ने, मनोज नैन्सी ने, या केसी सिंह भारत ने। तो आप जो वेली कृष्ण रुक्मणी री की जो रचना है यह आपकी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा किसे की गई थी। तो वह ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33वां प्रश्न, राजस्थान में रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका का नाम आपको बताना है। राजस्थान में रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका का नाम क्या है। ऑप्शन है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, मनु भंडारी, ज्योति मौर्मी देवी, रजनी गोयल। राजस्थान में रानी जी के नाम से जो प्रसिद्ध लेखिका है उनका नाम है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम्बीर रासु किस भाषा का ग्रंथ है। जो हम्बीर रासु है वो किस भाषा का ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है। दो क्वेश्चन आपके एक साथ पूछ लिया गया है, हम्बीर रासु की किस भाषा का ग्रंथ है आपसे पूछा गया है और इसके रचयिता का नाम भी बताना है। ऑप्शन आपके पास में चार हैं, संस्कृत भाषा रचयिता ब्रजसेन सूरी, संस्कृत भाषा का या फिर रचयिता सारंगदेव हैं, और सही ऑप्शन है राजस्थानी भाषा का जिसके रचयिता हैं कन्हैयालाल सेठिया, या फिर राजस्थानी भाषा का रचयिता हैं दलपत विजय। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको आंसर बताना है। तो इसमें हम्बीर रासु जो किस भाषा का ग्रंथ है, तो यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं जो सारंगदेव हैं। यह एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है जिसके रचयिता सारंगदेव हैं। तो वह ऑप्शन आपका इसमें सही आपका होगा। 35वां प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, भारतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो इसके रचयिता कौन है। भारतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया, ब्रजसेन सूरी, सारंगधर या सुजाजी। तो भारतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा का जो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है इसके रचयिता हैं ब्रजसेन सूरी। तो बे ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, ब्रजसेन सूरी आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है दलपत विजय, सारंगधर, सूजा या जसनाथी। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा सारंगधर हैं, संगीत रत्नाकर के रचनाकार। सारंगधर इसका सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, खुमान रासो की स्थापना किसने की थी। खुमान रासो की जो स्थापना है वह किसने की थी। ऑप्शन है दलपत विजय, मंडन, जसनाथी या ब्रजसेन सूरी। तो खुमान रासो की जो स्थापना है वह दलपत विजय के द्वारा से की गई थी। दलपत विजय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, राजवल्लभ के लेखक थे, तो राजवल्लभ के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके पास में चार, तो इस राजवल्लभ के लेखक कौन है। तो इसके राजवल्लभ के लेखक हैं के नाम यदि बात करें तो मंडन के लेखक हैं। ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मरुवाणी क्या है। तो यह मरुवाणी आप क्या है, तो यह एक राजस्थान हिंदी शब्दकोश है, राजस्थानी भाषा की मासिक है, या राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, या द ऑप्शन संस्कृत भाषा का ग्रंथ है।
तो मरुवाणी आपकी जो है ये राजस्थानी भाषा की मासिक है, ये ऑप्शन बे ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, बे ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन 40वां प्रश्न, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल है, आपसे पूछा गया है राजस्थान साहित्य का जो वीर गाथा काल है वह आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपको दे रखे हैं विक्रम संवत 500 से 760, बे ऑप्शन में है 800 से 1460, से में है 1500 से 1800, तय ऑप्शन है आपके पास 1800 से 1960, इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राजस्थान साहित्य का वीर गाथा काल है जो आपको पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा विक्रम संवत 800 से 1460 के बीच, विक्रम संवत 800 से 1460 के बीच इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, राव जैतसिंह छंद की रचना किसने की, आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इस क्वेश्चन को सुन लें, राव जैतसिंह छंद की रचना किसने की थी। ऑप्शन आपके पास में चार हैं, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा, कन्हैयालाल सेठिया, सुजाजिया सारंगधर। तो इसकी जो रचना है राव जैतसिंह छंद की रचना आपकी इसमें की गई थी सूजाजी के द्वारा, इसे की गई थी, से ऑप्शन इसमें आपका सही होगा सूजाजी, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 42वां प्रश्न, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। एक पुस्तक का नाम है जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम आपसे पूछा गया तो सागरमल गोपा ने इसे लिखा गया था जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन, यह ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 43वां प्रश्न आपका, भूंगल पुराण का संबंध है, भूंगल पुराण का संबंध किससे है। ऑप्शन है जसनाथ जी से, संत हनुमंत किंकर से, राव जैसी से या सूजा जी से। तो भूंगल पुराण का जो संबंध है वह जसनाथ जी से है, यह ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न आपका नया, राजस्थानी भाषा के विद्वान एवं राजस्थानी में रामायण के रचयिता हैं, राजस्थानी भाषा के विद्वान एवं राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन है, ये आपसे नाम पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो इनमें से आपका जो सही आंसर है वह संत हनुमंत किंकर के द्वारा इसे रचयिता है, यह ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। 45वां प्रश्न, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है, जो भारतीय प्राचीन लिपि है लिपि माला के लेखक कौन है। ऑप्शन है सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया, वीरभान, गौरी शंकर, हरिचंद ओझा। तो भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक गौरी शंकर हरिचंद ओझा, इनका सही आंसर होगा, द ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, वह रचना जिसको जवाहरातों की स्याही से लिखा गया था उसका नाम आपसे पूछा गया है, वह रचना जिसको जवाहरातों की स्याही से लिखा गया था उसका नाम आपको बताना है, राजरूपक, बह गुलिस्ता, सह मरुवाणी, दह भारतेश्वर बाहुबली घोर। तो वह रचना जिसको जवाहरातों की स्याही से लिखा गया था उस रचना का नाम है गुलिस्ता, यह आपका सही आंसर होगा गुलिस्ता, बह ऑप्शन इसमें सही आपका हो जाएगा। 47वां प्रश्न आपका, प्रबंध कोष का लेखक निम्न में से कौन सा है, प्रबंध कोष का लेखक आपसे पूछा गया, राजशेखर, सोमेश्वर, मीरुतुंग, उमरदान। तो प्रबंध कोष का लेखक है जो राजशेखर हैं, यह ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 49वां प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन है आपके पास में, आसकण के द्वारा, सुंदरदास के द्वारा, बांकी दास के द्वारा, दयाल दास के द्वारा। तो आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर यह एक गीत के रूप में है जिसके रचयिता हैं बांकी दास के द्वारा, से लेखक इसके रचयिता हैं, सही ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बारात लौट गई किसकी रचना है, आपको ध्यान रखना है यह एक रचना के रूप में है बारात लौट गई, यह किसकी रचना है आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन है आपके पास विष्णु अम्बाला जोशी, चंद्र शर्मा गुलेरी, शंभुदयाल सक्सेना, ओंकारनाथ दिनकर। तो बारात लौट गई इसके रचनाकार आपके चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, वह ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, वह ऑप्शन आपके इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ये लेखकों के रचनाकार कौन है, आपका ये रचना किसकी है, इनसे संबंधित क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए वीडियो के माध्यम से दो वीडियो में आपके लिए करा दिए हैं। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो अभी जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, इस प्रकार कंटेंट आपके लिए इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।